आदरणीय साथियों, भारत के लोकतंत्र में हम सबका विश्वास है, इसलिए मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। उन्हें भारत की जनता ने एक बार फिर से मौका दिया है और अप्रत्याशित रूप से उनकी विजय हुई है, तो उन्हें बधाई देता हूं। और साथ में जितने भी भाजपा के संसद सदस्य चुने गए हैं उन्हें भी बधाई देता हूं। सुश्री प्रज्ञा भारती जी को भी मैं कल काउंटिंग हॉल में बधाई दे चुका हूं। हम भारतीय लोकतंत्र के परंपराओं के अनुसार जनादेश को स्वीकार करते हुए केवल एक बात मुझे निजी तौर पर चिंता सताती है और वो है कि आज इस देश में महात्मा गांधी के हत्यारे की विचारधारा वो जीत गई और देश का विश्व में शांति दूत महात्मा गांधी की विचारधारा हार गई। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है मेरे लिए। मैं हालांकि चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने जो भी वादे किए हैं भोपाल के जनता से निजी तौर पर उन सभी को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और मेरी ये कोशिश होगी कि जो भी हमने वादे किए हैं, जो भी हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हमने वादे किए हैं उन सभी को पूरा करने के लिए जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने मुझे आश्वस्त किया है, मेरा ये प्रयास होगा कि भोपाल की जनता के बीच में रहकर उन सभी वादों को मैं पूरा कराने का पूरा पूरा प्रयास करूं। यही मेरा संकल्प होगा। एक ही बहुत बात आश्चर्यजनक है कि 2014 में जब चुनाव हुआ तो नारा था 280 पार हो गया। इस बार नारा था उनका 300 पार हो गया। ऐसी कौन सी उनकी बात जादू की छड़ी है जिसकी वजह से वोट डालने के पहले वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। वाकई में वे इस बात के लिए बधाई के बाद कोई प्रश्न हो तो उत्तर देना। कहाँ हो गई? ये तो ऐसा है कि पेटियां खुलने तक तो कोई नहीं कहता था कि मैं चुनाव हार रहा हूं। यहां तक कि अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरे पास मैसेजेस हैं बधाई। लेकिन अब जो नतीजे सामने आए वो सबके सामने राष्ट्रवाद क्या इतना हावी था कि नॉर्थ से साउथ तक जहां पर नहीं भी चाहिए था वहां पर भी जीत हुई है, तो क्या इसके पीछे कोई आप मशीनरी या ईवीएम का कोई है? नहीं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।
क्योंकि इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कौन सी जादू की छड़ी उनके पास है। मेरा जो जीवन का एकमात्र संकल्प यही है कि इस देश की संस्कृति, संस्कार और इतिहास, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा आजादी के मूल का रहा है और यही आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के साथ ही हम लोगों ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी के सामने केवल एक ही मूल मंत्र है, वो है सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। उसी रास्ते पर हम चलेंगे और चाहेंगे कि देश भी उसी रास्ते पर चले। ये एक बात आप कह सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें तो साफ जाहिर है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वालों के विचार जीते हैं। कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। बात यह है कि मुद्दे अलग थे। जिस प्रकार के प्रचार माध्यम से और गुप्त रूप से जिन प्रकार हुआ प्रचार हुआ, देश को बचाना है, मोदी ही केवल बचा सकता है, इस प्रकार का जो प्रचार हुआ, जबकि आखिरी कुछ और बताते हैं। इन 5 सालों में जितने हमारे सेना के कर्मचारी अधिकारी शहीद हुए हैं, उतने कभी नहीं, और उसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि रही हो। ये निर्णय दिग्विजय सिंह नहीं करेंगे, ये निर्णय जो भी होगा हमारी जो पार्टी लीडरशिप है वही तय करेगी। Unfortunately, yes, they did not. Had they affected, BJP would not have crossed 180. बात यह है, नतीजों के पहले, काउंटिंग चालू होने के पहले कोई नहीं कह रहा था कि ज्योतिरादित्य हार जाएंगे,
कोई नहीं कह रहा था कि राहुल गांधी हार जाएंगे। भोपाल में आप स्वयं यहाँ पर मौजूद थे, कैंपेन हमारा अच्छा चला, आप ही लोगों ने उसकी तारीफ भी की, मेहनत थे कि मैंने कोई कमी नहीं की, तो फिर आखिर कहाँ चुके, ये भी विषय है। विपिन विपिन कौन है? विपिन आप हैं। सर आपकी क्या लगता है, आप जो इतने आ रहे हैं, 5 साल कैसी परिस्थितियों में रहेगा देश, वो भी चीज है कि क्या जनता कभी इस बात का आपको इस तरह की कहीं कोई गलती हो गई? ऐसा है कि वैसे तो ट्रैक रिकॉर्ड तो यह है कि 2014 में भी जो वादे किए गए थे उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा ही नहीं की। इस चुनाव में ना काले धन की चर्चा हुई, ना उसमें रोजगार की चर्चा हुई। अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जो 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में पूरा किया गया, लेकिन उन्होंने पूरा चुनाव का एजेंडा ही देश की सुरक्षा पर केंद्रित कर दिया। और जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, लोगों को लगा कि ये देश के लिए वोट है, ये मोदी के लिए वोट नहीं है, तो लोगों ने देश के लिए वोट दे दिया। उन्होंने विकास के नाम पे वोट डाला कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट डाला? विकास के नाम पर तो किसी ने वोट ही नहीं मांगा भाजपा ने। कौन सा ऐसा नेता है जिसने विकास के लिए वोट मांगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ये नहीं पच पा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। और खुले रूप से हमारे माननीय विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए के लालच दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी विधायक नहीं टूटा ना टूटेगा। इसलिए कितना ही वो प्रयास कर ले, हमें हमारे बहुमत पर न केवल भरोसा है, लेकिन हमें हमारे माननीय विधायकों पर भी पूरा भरोसा है। और जो हमें समर्थन दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक, 1 समाजवादी के और 4 निर्दलीय, सब पर हमें भरोसा है। मैं इसको कह चुका हूँ, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जहाँ से पार्टी निर्देश देती है चुनाव वहां से लड़ता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का ना प्रभारी हूँ, ना मैं उत्तर प्रदेश गया प्रचार करूँ। संदीप एन है, ओवैसी के बयान पर मेरे को नहीं मिली। संगठन के आदेश पर आपने भोपाल से अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भोपाल से चुनाव लड़ा, और भी नेताओं को संगठन ने आदेश दिया था लेकिन वो नहीं लड़े, क्या संगठन ने यहाँ पर कोई चुनाव प्रचार में कमी रही, क्या आपको क्या लगता है आपके खास? मैं तो एक बात जानता हूँ, मेरे चुनाव प्रचार में कहीं कोई कमी ना कार्यकर्ताओं ने रहने दी, ना मेरे कांग्रेस के नेताओं ने रहने दी, ना मैंने रहने दी। हमारी पूरी टीम ने मेहनत की और इससे ज़्यादा मेहनत कर भी नहीं सकती।
चुनाव प्रचार के दौरान किसी समाज ने घोषणा की थी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो देवास वाला मामला वो रीओपन किया जाएगा, क्या इस पक्ष में है कि उसको रीओपन किया जाए? ये निर्णय तो सरकार लेती है, मैं सरकार भी नहीं हूँ। ब्रजेश सर, ये इस समय कांग्रेस की सत्ता स्टेट में पता नहीं खुल रहा है, एक भी सीट नहीं पाई है सरकार। आपको लगता है कि कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर में है? कांग्रेस संगठन अपने सबसे बुरे दौर में है, सत्ता राज्यों में जीरो है। ऐसा है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं और लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि परिवर्तन होता रहता है और जब तक परिवर्तन होता रहता है तब तक ही लोकतंत्र जीवित रहता है। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, मुझे सभी साधु महात्माओं का विश्वास प्राप्त है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे धार्मिक गुरु हो, चाहे जैन गुरु धर्मगुरु हो, चाहे सिख हो, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। ये चुनाव पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को रिझाने में सफल हो गए, बाकी सब विषय कौन हो गए, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे कौन हो गए? लेट हिम आस्क वन क्वेश्चन। सर, आपकी हार पर समाधि लेने वाले बाबा पर आपका क्या बयान है? आप मुझसे पूछते क्यों नहीं है? वो मिल ही रहा है सर, नंबर बन रहा है। मैं कभी भी किसी भी मेरे विपक्ष में जो खड़ा होता है वो मेरे कितने गाली देते हैं मैं कभी उसको कर नहीं देता। क्या उस समय चीफ मिनिस्टर था? मैंने उस समय जो कहा था जो करके दिखाया, इस चुनाव के पहले ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा था। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी लड़ाई निरंतर चलेगी, विचारधारा की लड़ाई, गांधी की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा, देश के संस्कार, संस्कृति और इतिहास जो रहा है उस पर चलते हुए हम देश को और मजबूती दें, यही हमारा संकल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।